नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पटेल फिर से एक बार आप सबका रिजुविनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी में स्वागत करती हूँ। लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे थे कि डायबिटीज के कॉजेज क्या है, वो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके जो स्टेप्स है कि वो डायबिटीज हो ही ना, उसके लिए हमें क्या अवेयरनेस चाहिए, वो सारी हमने डिस्कशन की। आज हम कुछ और चर्चा करेंगे और उसके लिए फिर से हम एक बार हमारे मेहमान डॉक्टर गिरीश पटेल को आमंत्रित करेंगे इसी मंच पर। सर, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार सर, हम लास्ट एपिसोड में बातें कर रहे थे कि हमें डायबिटीज ना हो उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स की बारे में ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को फॉलो करना चाहिए, तो आप हमें आगे बताएंगे। अच्छा, अगर ये डायबिटीज हुई वो 100% बहुत अच्छा है। तो ऐसे देखे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि जो डायबिटीज होने के कारण है उनको आने नहीं दो। अच्छा, वो आपकी लाइफ में ना आए तो डायबिटीज नहीं होगा। अच्छा, अब शायद ये प्रश्न ही आएगा कि भी कारण क्या है। हाँ, नेचुरली। तो जैसे हमने चर्चा भी की कि जो जीवन शैली है कि भी गांव की जीवन शैली और शहर की जीवन शैली, आज भारत गांव में भी डायबिटीज बहुत बढ़ गया। अच्छा। क्योंकि गांव में भी अभी तो एक्सरसाइज खत्म हो गई। मुझे याद है हम छोटे थे तो भी सवेरे से वो पैदल चल के गांव में जाओ, बैलगाड़ी होती थी ना उसमें जाओ और फिर खेत में जाके काम करो। अभी तो कोई नहीं करता है, तो कुछ किसान करते होंगे, उनके अलावा लोग नहीं करते। राइट। तो इसके कारण आज हमारी जीवन शैली से भी गांव में भी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अच्छा। गांव में भी टेंशन आ गया। हुँ. गांव में भी फास्ट फूड आ गया। हाँ। है ना, वो सब चीजें गांव में आ गई। हुँ. तो इसके कारण गांव में भी बढ़ने लगा। अच्छा। परंतु एक्चुअली अगर देखे कि प्रिवेंट करना है तो वो जीवन शैली कि एक तो कि जिसमें काफी फिजिकल वर्क हो। ओके। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करूं तो कितना करेंगे, आधा घंटा करेंगे, 45 मिनट करेंगे। अगर ये दिनचर्या का हिस्सा हो जाए ना तो काफी एक्सरसाइज मिलेगी। राइट। तो वो एक जितना बढ़ा सकेंगे उतना फायदा है। अच्छा सर, एक्सरसाइज मतलब डांस भी हो सकता है, वॉकिंग भी हो सकता है, कुछ कुछ भी। हाँ, फिजिकल तैरना भी हो सकता है, साइकिलिंग भी हो सकती है। वंडरफुल, सब 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 अच्छा ही है। अच्छा। जहाँ फिजिकल एक्टिविटी मिले ना, कि जिससे जो चेंजेस आते बॉडी में वह दो प्रकार से मदद करते हैं। एक तो वो ब्लड शुगर को कम करने में भी मदद करते हैं और दूसरी एक सारी बात है, हम उसकी चर्चा करेंगे, जिसको कहा गया इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा। कि बहुत सारे अब डायबिटीज के पेशेंट्स देखेंगे तो उनमें इंसुलिन तो अच्छी मात्रा में है, शायद जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी उनके खून में, उनके रक्त में इंसुलिन ज्यादा है। अच्छा। परंतु इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। अच्छा। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आप बात कर रहे हैं वो है क्या? मैं आपको एक उदाहरण देके अच्छे से समझा सकूंगा कि फॉर एग्जांपल कि गांव में आपका घर है कि उसको आप लॉक करके अहमदाबाद में आ गए, 4 साल के बाद वहां गए, आपके पास चाबी है फिर भी ताला खुलता नहीं है, क्यों? जंक लग गई है। हाँ, तो बस वो जो वहां जंक लगा ना वही है इंसुलिन रेजिस्टेंस। okay. कि बॉडी में भी ऐसी मैकेनिज्म है, ये तो समझाने के लिए उसका एक सिंप्लीफिकेशन है। okay. कि स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। okay. जब इंसुलिन रिसेप्टर्स पे लगता है तो जो रक्त में शुगर है वो बॉडी सेल्स में जा सकती है कि जहां उसकी जरूरत है। ओके। खून में शुगर की जरूरत नहीं है। ओके। परंतु जब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ऐसे बहुत सारे कारण है कि तब पहले समझो कि भी एक यूनिट इंसुलिन वो दरवाजों को खोल रहा था। अच्छा। अभी शायद 2 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। और क्योंकि वो दरवाजा नहीं खुल रहा है तो शुगर जो है वो खून में घूम रही है और जहां जरूरत है वहां नहीं मिल रही है। अच्छा।
है ना, उसका देखो। और एक मैं आमतौर पर उदाहरण देता हूँ कि भी आपके घर में बहुत कुछ खाना है, फ्रिज में रखा है, फ्रिज को आपने लॉक कर दिया, अच्छा, और चाबी गुम गई है ना, और अभी बच्चों को भूख लगी, अच्छा, और खाना नहीं क्योंकि आप फ्रिज को खोल नहीं सकते, सही है, है ना, तो बच्चे क्या करेंगे, भूखे रहेंगे, रोएंगे। हाँ देखो, रोएंगे सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे भी जब डायबिटीज होता है तो बॉडी के सेल्स रोते अच्छा कि भी उनको एनर्जी चाहिए, अभी नहीं मिल रही है, है ना। और क्या होगा, अभी भी समझो नहीं मिली, बीमार हो जाएंगे बच्चे। नहीं, बीमार तो बाद में होंगे, पहले क्या करेंगे कि पड़ोसी से जाके शायद मांगेंगे, अच्छा भी हमारे घर में खाना, ये तो बोलेंगे कि भी हमारा फ्रिज का ताला बंद हो गया, हमको खाना दो। तो ऐसे ही कि पहले वो जो ऊर्जा है वह ऊर्जा शुगर से बॉडी लेता था, वो सेल्स, अभी शुगर नहीं मिल रही है तो बॉडी सेल्स फिर वही ऊर्जा और जगह से लेते, जैसे प्रोटीन को तोड़ेंगे या तो फैट को तोड़ेंगे, अच्छा, और ऊर्जा तो चाहिए, है ना, तो कोई और तरीके से लिया, परंतु ये तरीका बुरा है। अच्छा। जब फैट को तोड़ेंगे तो कीटोन बॉडीज क्रिएट होंगे, है ना, और कीटोन बॉडी हार्मफुल है, कुछ हद तक अच्छे भी है लेकिन और ज्यादा होंगे तो कीटोन बॉडीज हार्मफुल है, तो है ना, ये सारी बात है। और क्या होता है कि जब शुगर खून में घूमती रही घूमती रही घूमती रही तो वो ब्लड वेसल्स पर असर करेगी। अच्छा। आमतौर पर जो ब्लड वेसल्स है वो फ्लेक्सिबल होती है, ओके, कि जैसे चाहिए वैसे नहीं, इलास्टिक है, परंतु हाँ। लंबा समय रहने तो अभी स्टीफ हो जाएगी, प्लास्टिक जैसी हो जाएगी, ओके, तो बस अभी वो जो चीजें उसमें न्यूट्रिएंट्स है उसको आगे नहीं भेज पा रही है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई। अच्छा, तो ऐसे कई कारण है ओके, जिसके कारण फिर वो समस्या होती है। अच्छा सर, आप जो आप बता रहे हो तो आप हमें ये बता सकते हो कि अभी आम जनता में अवेयरनेस जो डायबिटीज को लेके होना चाहिए वो कितना है? नहीं, बहुत कम है कहेंगे तो भी, अभी ऐसे आंकड़े नहीं, नहीं, आंकड़े तो भी लोगों को तो ना मालूम ही नहीं है। जैसे अच्छा। एक जनरल चीज कही गई है कि लोग कितना जानते हैं कि भी टाइप 2 डायबिटीज वालों को शुगर नहीं खानी चाहिए और टाइप 1 डायबिटीज वालों को इंसुलिन लेना पड़ता है। अच्छा। और एक तो ना लोगों में बहुत नेगेटिव भी है, मैंने बहुत बार सुना है, एक बार तो मैं ट्रेन में आ रहा था, ऊपर सो रहा था तो नीचे लोग चर्चा करते थे। अच्छा। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे 4 साल से डायबिटीज है लेकिन मैं कभी चेक नहीं करता हूँ, मैंने अपना एक चेकिंग मैकेनिज्म क्रिएट किया है। अच्छा। तो दूसरे ने पूछा क्या, तो उसने कहा मैंने अपना चेकिंग मैकेनिज्म क्रिएट किया है कि कभी मुझे घाव लगता है तो मेरा घाव ठीक हो जाता है, उसका मतलब कि मैं सब ठीक ठाक है, मुझे टेंशन नहीं लेना है। अच्छा। जिस दिन वो मेरा घाव ठीक नहीं होगा तो उस दिन मैं चिंता करूंगा। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, नहीं कि ये बात ठीक है कि काफी हद तक कि घाव हुआ तो भी आपका घाव ठीक हो जाएगा, उसका मतलब नहीं कि आपका डायबिटीज कंट्रोल में है। सही है। इसका सिर्फ यह मतलब है कि अभी भी जो आपका डायबिटीज का लेवल है उसने व्हाइट ब्लड सेल्स पर इतना प्रभाव नहीं डाला है, उनको कमजोर नहीं कर दिया है कि उनकी जो मैकेनिज्म है कि कहीं घाव हो जाए तो वहां जाकर के अटैक करने का, इन्फेक्शन को नहीं बढ़ने देने का। अच्छा। वो मैकेनिज्म आपकी फेल नहीं हुई है, अन्यथा हो सकता है कि भी डायबिटीज तो और सभी अंगों को हार्म कर रहे हैं। सही है, है ना। तो ऐसी चीजों को नहीं देखने की लोग है ना, ऐसा सब समझते। दूसरी एक बहुत बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों में मैंने देखा है, लोग क्या बोलते पता है कि जब मेरा डायबिटीज बढ़ जाता है तो मुझे मालूम पड़ जाता है है ना, तो इसलिए मैं कोई चेकिंग आदि नहीं करती हूँ, जब मुझे मालूम पड़ता है कि अभी समस्या हो रही है कि कुछ हो रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, उनका अपना होगा मुझे पता नहीं क्या, लेकिन उन्होंने अपने सिम्टम्स कुछ भी अब क्रिएट किए होंगे कि ऐसा ऐसा हो तो समझना है कि मेरी ब्लड शुगर बढ़ी है। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि डायबिटीज का सबसे बड़ा लक्षण है कि उसका कोई लक्षण नहीं। मोर देन 50% डायबिटिक के पेशेंट को कुछ नहीं होता है। अच्छा। सिर्फ वो ब्लड शुगर बढ़ी है और वो बढ़ी हुई ब्लड शुगर जो मैंने थोड़ा समझा है ना, वैसे वो हार्म कर रही है, आपके ब्लड वेसल्स को स्टीफ कर रही है,
फिर वो जो ब्लड है वो नर्व्स में नहीं जाता है। अच्छा। जो नसें है ना, कि जो नर्व्स बोलते हैं इंग्लिश में, कि जिससे संवेदना अपनी होती है, हाँ जी, तो वो वहां पर नहीं जा रही है, तो आपके नर्व्स अफेक्ट हो रहे, स्पेशली लंबे नर्व्स। अच्छा। कि भी जो स्पाइनल कॉर्ड से हाथ में गए वो लंबे, यहाँ से पैरों में गए वो लंबे नसें है ना, जो नर्व्स है वो नर्व्स लंबे है, तो उस पर ज्यादा इफेक्ट होती है। अच्छा अच्छा सर, आप जो बता रहे थे अभी कि लोगों में अवेयरनेस में वो लोग इतना जानते कि टाइप ए टाइप टू, सॉरी टाइप ए टाइप बी, नहीं नहीं टाइप वन टाइप टू। अच्छा, टाइप वन टाइप टू, तो मुझे तो पता नहीं है, पर आप ये बता सकते हैं कि कितने टाइप होते हैं? अच्छा अच्छा, तो मोटे रूप से दो, बहुत सारे और भी है छोटे छोटे, एक तो टाइप वन एंड टाइप टू। अच्छा। टाइप वन वह डायबिटीज है जो अधिकतर बच्चों को होता है, लेकिन बड़ों को भी हो सकता है। अच्छा। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही होता है, कि जिसमें कोई भी कारण से, नहीं अधिकतर अभी भी एग्जैक्ट कारण भी मालूम नहीं है। अच्छा। कि जिसमें बॉडी जो है वो पेंक्रियास में, पेंक्रियास की पूंछ में, जहां पर वो सेल्स है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस, वो सेल्स को है ना एनिमी मान के डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके। वो टोटली वो खत्म हो जाते हैं, कि भी ये तो दुश्मन है हमारे, है ना, तो वो अचानक भी हो सकता है, अचानक खत्म हो गया और वो इंसुलिन का प्रोडक्शन जीरो हो गया। अच्छा। है ना, अब कोई भी रास्ता नहीं है उसके लिए इंसुलिन क्रिएट करने का, तो ये बात सच है कि फिर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। अच्छा। तो ऐसा जब हो, अधिकतर बचपन में होता है, बड़े होके भी हो सकता है। अच्छा। उसके कुछ लक्षण और टेस्ट है, उससे पता चल सकता है कि भी ये टाइप वन डायबिटीज है। अच्छा। टाइप टू डायबिटीज वह है कि जिसमें धीरे धीरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल की भी 100% मेरी कैपेसिटी है। अच्छा। वो जब तक 40 या 30% तक आएगी कुछ नहीं होगा। ओके। पेनक्रियास जैसे आज हो सकता है मेरा पेनक्रियास भी 50% इंसुलिन क्रिएट कर रहा है। अच्छा। लेकिन डायबिटीज नहीं होगा, जब वो 30% 25% पे आ जाएगा, तब अभी उतना इंसुलिन पर्याप्त नहीं है आपकी ब्लड शुगर को कम करने में। अच्छा। तो फिर आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी। अच्छा। है ना, लेकिन पूरा इंसुलिन समाप्त नहीं हुआ है, तो फिर अभी अभी भी कई तरीके बाकी रहे। अच्छा। एक तो भी पेनक्रियास को कोई तरीके से स्टिम्युलेट करो कि थोड़ा ज्यादा इंसुलिन क्रिएट कर रहे। जो ये आप बोल रहे हो कि पेनक्रियास में इंसुलिन की मात्रा कम ज्यादा, तो उसकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए? वो ऐसे कि भी एक्चुअल जो इंसुलिन है उसकी रेंज है, लेकिन वो तो बहुत कम से बहुत ज्यादा भी है। अच्छा। उसको जरूरत ये है कि इतना इंसुलिन कि जो आपकी ब्लड की शुगर को कंट्रोल में रखे। अच्छा। और उसका आधार इंसुलिन रेजिस्टेंस पर है। अच्छा। कि आपकी कोशिकाएं वो इंसुलिन का कितना प्रतिकार करती है। अच्छा। अगर वो प्रतिकार ज्यादा करती है तो फिर ज्यादा इंसुलिन चाहिए ना, कि इंसुलिन है। हो सकता है कि एक डायबिटीज के पेशेंट में मेरे से भी ज्यादा इंसुलिन है। अच्छा। परंतु फिर भी वो डायबिटिक है। ओके। क्यों? कैसे? क्योंकि जैसे कि मेरे सेल्स वो प्रतिकार कम कर रहे हैं। ओके। थोड़ा भी इंसुलिन है तो दरवाजा खुल जाता है, ब्लड शुगर खून से जाके बॉडी सेल्स में जाती है। अच्छा। लेकिन उसमें ज्यादा है तो भी उसके बॉडी के सेल्स प्रतिकार कर रहे और उसको जाने नहीं देते। Okay, और उसके भी कई कारण है। अच्छा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा। ओ, जो ज्यादातर वेट बढ़ता है। हाँ, वेट बढ़ रहा है तो उसके कारण वो रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है व्यायाम की कमी। यस। लोग ऐसा समझते हैं कि भी व्यायाम क्यों करना है, कि भी जो शुगर खाई उसका उपयोग करने के लिए वो बर्न करेगा, लेकिन उतना ही नहीं है। व्यायाम तो इसलिए करना है कि वो फिर रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट होगा। अच्छा। जैसे वो गांव का उदाहरण दिया था ना। हाँ। कि भाई क्यों हुआ, क्योंकि रोज अगर आप दरवाजा खोलते बंद करते खोलते बंद करते तो जंक नहीं लगेगा। सही है। जैसे जो लोग एक्सरसाइज करते चलते फिरते रहते है ना, जॉइंट्स को हिलाते है ना, मसल्स एक्टिव होते, तो उनमें रेजिस्टेंस नहीं होगा। जो बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे उनमें वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, वो जंक क्रिएट होगा। राइट राइट ना, तो ये एक कारण है और। अच्छा। कि रेजिस्टेंस क्रिएट होने का, तो ये है टाइप टू डायबिटीज। ओके। अभी और भी है कई कुछ डायबिटीज। एक कहा जेस्टेशनल डायबिटीज।
कि मतलब कि जो गर्भवती महिला है उनको डायबिटीज निकल सकता है. अच्छा. और उनमें से कुछ लोगों का डायबिटीज समाप्त भी हो जाएगा. अच्छा. बच्चे को जन्म देने के बाद उनका डायबिटीज समाप्त हो जाएगा. अच्छा. क्योंकि तब शिशु के विकास के लिए जो सारी मैकेनिज्म चाहिए थी वो प्रोड्यूस करते करते वो मैनेज नहीं कर पाए और उनकी ब्लड शुगर बढ़ गई. अच्छा. कि बच्चे का जन्म हो गया फिर वो नॉर्मल भी हो जाए. अच्छा. कुछ किस्सों में नॉर्मल न भी हो. अच्छा. और उस समय भल प्रेगनेंसी के कारण ब्लड शुगर बढ़ी परंतु उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं तो पूरी हार्मफुल इफेक्ट हो रही है शिशु पर भी उसकी हार्मफुल इफेक्ट हो रही है. और भी कुछ प्रकार है. अच्छा. है ना कि भी जैसे जिसको का ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज. अच्छा सर आप ये जो प्रकार बता रहे उसके पहले जो आपने प्रकार बताया तो उसमें बच्चे को भी क्या डायबिटीज होगा क्या? हो सकता है ना मतलब वो बुरा असर तो होगा. अच्छा. क्योंकि वही तो ब्लड जा रहा है ना वहाँ तो हम डायबिटीज होगा ऐसे नहीं बच्चे को डायबिटीज ना भी हो. अच्छा. कि नो हार्मफुल इफेक्ट होगी. अच्छा. और उसके ऑर्गन्स ठीक से डैमेज नहीं डेवलप नहीं होंगे और हार्म होगी बच्चे में कोई विकृति आ सकती है. अच्छा. आप जो अभी बता रहे हो पर हमने इसके पहले जब डिस्कस किया था आप बता रहे थे कि डायबिटीज एक बार हो गया उसके बाद वो हमेशा लाइफ टाइम रहता है वो जाता नहीं है तो फिर इसमें भी ऐसा रहेगा क्या बच्चे को अगर हो गया? नहीं, बच्चे को इससे ऐसे डायबिटीज नहीं होगा. अच्छा. क्योंकि बच्चे की तो अपनी मैकेनिज्म डिफरेंट है. ओके. ये तो सिर्फ इतना ही है कि जब तक वो माँ के गर्भ में है तब वो जो खून मिल रहा है वो हाई शुगर वाला मिल रहा है. अच्छा. तो इसके कारण उसके ऑर्गन पर इफेक्ट होगी है ना ठीक से विकास ना हो समझो उसका वेट कम रहे. अच्छा. और भी उसमें डैमेजेस हो सकते हैं. अगर इसकी ट्रीटमेंट चल रही है और अगर माता इसका ख्याल रख रही है तो कुछ नहीं रख रही है, तो कुछ तो नहीं नहीं इवन नहीं, ये भी कि जिनको टाइप 1 डायबिटीज है ना कि भी जिसमें पहले दिन से इंसुलिन लेना है और वो लड़की भी प्रेग्नेंट हो और वो अच्छे से उसका कंट्रोल रखे शायद उस समय ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा और परफेक्ट उसका कंट्रोल रहा तो बच्चा एकदम नॉर्मल होगा. अच्छा. फिर कोई उसमें नुकसान नहीं. वेरी नाइस. अच्छा सर अभी आप कुछ और बता रहे थे कोई और नया टाइप बता रहे थे मेरी तो समझ के बाहर था आप जरा फिर से बताएं. जैसे वो मैं एक ड्रग्स का बोल रहा था. अच्छा. एक प्रकार से तो कारण है कि डायबिटीज क्या है. देखो और एक तरीके से मैं समझाता हूँ कि शरीर में 15-16 हार्मोन्स है. ओके. है ना जिसको अंतःस्राव कहेंगे. अंतःस्राव क्या है कि वो ऐसे केमिकल्स है जो सीधे खून में चले जाते. अच्छा. तो यह जो अंतःस्राव है उनमें से अधिकतर ब्लड शुगर को बढ़ाते. ओके. नहीं कोर्टिसोल है ब्लड शुगर को बढ़ाएगा थायरॉक्सिन बढ़ाएगा ऐसे सब ये ब्लड शुगर को बढ़ाएंगे. सिर्फ इंसुलिन है जो ब्लड शुगर को कम करता है. ओके. नहीं ना तो ऐसे यह समझाया जाता है कि अभी ये जो सारा क्यों डायबिटीज इतना बढ़ रहा है क्योंकि वो 14-15 हार्मोन्स के साथ इंसुलिन को लड़ना. अच्छा. आज हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई कि वो 13-14 हार्मोन्स बढ़ रहे हैं इंसुलिन उल्टा कम हो रहा है. है ना तो फिर वो कमजोर हो जाता है. अच्छा. जैसे क्या नहीं मुझे 4 लोगों के साथ लड़ना है भी मैं कमजोर हो गया और वो लोग पावरफुल हो गए तो मैं हारूंगा ही. सही है. ना तो ये जीवन शैली से एक गड़बड़ हो रही है पूरी. ओके. है ना और उससे डायबिटीज होता है. और ड्रग्स भी कुछ कुछ है कि जो ने ड्रग्स मतलब जैसे कि कोर्टिसोल हमें दवाइयां भाई जो स्टीरॉइड्स हम कहते हैं ना कि भी स्टीरॉइड्स अगर जरूरत है तो उस समय अच्छे लेकिन कोई ऐसे ही ले तो उल्टा वो हार्मफुल है आजकल तो क्योंकि सब वो में हाँ तो वो एंटी इंसुलिन है ना वो इंसुलिन का दुश्मन है उल्टा. अच्छा. है ना तो स्टीरॉइड से तो उल्टा नुकसान होगा इसीलिए तो इनको बैन भी किया है ना. हाँ. भी आप ले नहीं सकते. सही है. तो ऐसे कई है और भी है कुछ दवाइयां है कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी है. तो आपकी बात से तो ये लग रहा है कि अगर बीमारी हुई और हमने दवाइयां ली तो उससे ये नहीं नहीं मतलब वो तो कौन सी दवाई. अच्छा. अभी ना समझदार डॉक्टर भी वो ज्यादा नहीं देंगे. ओके. कि भी आपको वहां पर जरूरत है. अच्छा सर जैसे किसी जैसे एक प्रकार की मैं आपको उदाहरण बताऊं ये इंटरेस्टिंग है कि मेरे में कोर्टिसोल लेवल मेरा काफी कम है. ओके.
कुछ होता था कि भाई कई बार एनर्जी लेवल कम हो जाता था, जल्दी से थक जाते थे, तो फिर भी नेचुरली डॉक्टर है तो टेस्ट कराया, तो पता चला कि भाई बेसल कोर्टिसोल लेवल कम है। अच्छा, तो फिर जो आम डॉक्टर थे, इवन एमडी फिजिशियन ना, कि एमडी फिजिशियन सीधा यही बोलते थे कि डॉक्टर तुम्हारा कोर्टिसोल बहुत लो है तो तुम कोर्टिसोल लो, लेकिन मुझे तो पता था कि ऐसे तो ये इजी चीज नहीं है, तो बोल रहे तो शायद इसके स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़े। सही तो है। मैं कई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गया, टॉप मोस्ट भी, और बहुत सारी टेस्ट कराई। फिर एक समझदार थे एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, है ना, कई लोग वो कंफ्यूज भी होते थे कि भी दे या ना दे, ये कहते कि ये जो स्टीरोइड है वो अगर आपके बॉडी में नहीं है अच्छा और आपको जरूरत है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, अच्छा तो नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है और आप ले रहे हैं तो बहुत हार्मफुल है, ये कैंसर भी करेगा। तो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, भले वो यंग थे लेकिन वो उसने बहुत अच्छा समझाया, दो तीन टेस्ट की, फिर उन्होंने कहा कि देखो डॉक्टर आपका कोर्टिसोल कम है, लेकिन अब ये कोर्टिसोल को बढ़ाने के लिए एक हार्मोन है ACTH, एडिनो कॉर्टिको स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, तो कहते आपका ये ACTH है ना बढ़ नहीं रहा है। अच्छा, अगर कोर्टिसोल कम है और ACTH बहुत बढ़ रहा है तो उसका मतलब है कि आपको जरूरत। अच्छा, तो उन्होंने ये बात से समझाया कि आपका बचपन से ही वो लो है, तो रादर इट्स अ ब्लेसिंग। ओके, हाँ, इसको आप एक तो ले नहीं सकते क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, है ना, कि भी आपकी प्रकृति ऐसी, और आप लेंगे तो उल्टा हार्मफुल इफेक्ट होगी। अच्छा, क्योंकि अगर वो सचमुच कम होगा तो बॉडी वो जो दूसरा ACTH है उसको बढ़ाती, अच्छा, उसको बॉडी बढ़ा नहीं रही है, उसका मतलब है कि इसकी आपको जरूरत नहीं है। ग्रेट, इनहेरेंट कंडीशन एज नो योर होल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इट्स लो। ओके, उन्होंने कहा कोई बोले तो भी नहीं लेने का, और मैं समझ गया कि ये बात इनकी लॉजिकल है। सही है। अच्छा सर, मैं आपको ये पूछ रही थी कि जैसे किसी को कोई बीमारी है, मान लो कि किसी को माइग्रेन है और उसे बचपन से एक है कि हफ्ते में 2-3 बार होता है माइग्रेन, तो उसको दवाई लेनी पड़ती है, तो अभी पूरी लाइफ टाइम एक ही तरह का ड्रग लेगा कोई भी बंदा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी क्या जो आप नहीं, बोल नहीं, रहे हो? नहीं, तो उस प्रकार की दवाइयां फिर नहीं लेनी है, तो फिर वो क्या करे? तो फिर डिफरेंट हो सकता है ना। अच्छा, मतलब ड्रग चेंज करते रहना है? नहीं नहीं या तो नेचुरल कोई तरीका ढूंढो, मान लो कि उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर तो भी उसको भी जज करना है कि भी ना वो कौन सा ईविल अच्छा है। अच्छा, है ना, कि फॉर एग्जांपल भी माइग्रेन का पेन है भी, अगर एक्चुअली मुझे, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, वो सचमुच इसके जो मास्टर्स है वो बता सकेंगे। मुझे ये तो पता है कि कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां है कि जो हार्मफुल इफेक्ट करती है, स्टीरोइड्स करती है ना, तो ऐसे अगर वही दवाई है कि जो उसको डायबिटीज होने की संभावना को बढ़ाएगी, अच्छा, तो डॉक्टर भी जज कर सकता है और राय भी दे सकता है कि आप ये करो, अच्छा, परंतु ये इसकी मात्रा कम से कम लो। ओके, है ना, या तो उस चीज को सहन करो ऐसे। अच्छा, तो इस तरह से हमें सोच के हर चीज को फॉलो करना चाहिए और डॉक्टर को भी बताना चाहिए। ग्रेट। आज जैसे हम लोग भी है ना, हमारे साइकियाट्री में कुछ मेडिसिन की जो वेट को बढ़ाती है, तो मैं पहले से बताता हूँ उनको, कई बार डायरेक्टली नहीं भी, क्योंकि बोले ना तो फिर वो पेशेंट लेगा ही नहीं, तो उसको ऐसा बोलते कि ये दवाई ना आपको देखो इतनी एक्सरसाइज करनी करनी है, ओके, आपकी बीमारी के लिए आपको इतना डाइट कंट्रोल करना है। अच्छा, परंतु भाव यहाँ पर यह है, हाँ, कि ये जो मेडिसिन मैं दे रहा हूँ शायद उसका वेट बढ़ाएगी, और ये सब वो करेगा तो उसका वेट कम हो जाएगा। ग्रेट। और सर, जो हम अभी बात कर रहे थे डायबिटीज के एक प्रकार की, तो उसके अलावा और कितने प्रकार हैं डायबिटीज के? नहीं, ऐसे मेन तो ये दो ही। अच्छा, फिर छोटे छोटे और भी कई हैं। अच्छा, कई कहते कि भी माल न्यूट्रिशन से भी डायबिटीज होता है। अच्छा, ऐसा देखो तो मोटापे में डायबिटीज होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी देखा गया कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता है, तो का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी डायबिटीज होता है। ओके, लेकिन वो रेयर है। आमतौर पर है। देखो तो 3-4 प्रकार है, वो भी समझ में आ जाए और अकॉर्डिंगली हम अपनी दिनचर्या को, अपनी जीवन शैली को फॉलो करे, तो व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। अमेजिंग सर, आज आपने हमें इतनी सारी जो जानकारी दी उससे मैं इतना तो मतलब बोल सकती हूँ कि जो भी हमारे दर्शक अभी हमें देख रहे हैं
उनको इतना पता चल गया होगा कि डायबिटीज क्या है, किस वजह से होता है, वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे आपने अभी दवाई के बारे में बताया, वेरी नाइस, जो मुझे तो पता ही नहीं था। तो ऐसे कई लोगों के जिनको बिल्कुल नहीं पता होगा, तो अब वो ध्यान रखेंगे। और सर ये जानकारी को हम आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें यहाँ पर विराम लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने काफी कुछ जानकारी ली, हमने देखा कि किस तरह से एक प्रकार का कोई ड्रग हम फॉलो करते रहते हैं और उसे लेते रहते हैं बिना जानकारी के, तो वो भी कॉज हो सकता है डायबिटीज का। जैसे आजकल तो फैशन हो गया है, सर दर्द हुआ दवाई ले ली, पेट दर्द हुआ दवाई ले ली, कुछ भी कारण हो बस दवाई ले ली, वो भी बिना डॉक्टर की अनुमति के, उन्हें पूछने की जरूरत भी नहीं महसूस करते हैं। तो आज का एपिसोड देखने के बाद आप सबको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। तो जो लोग डायबिटीज के पेशेंट नहीं है, वो लोग भी अगर हमारी श्रृंखला को देखेंगे तो मैं जानती हूँ कि वो दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये श्रृंखला आप जरूर देखें और दूसरों के ब्लेसिंग्स भी लें। अगले एपिसोड में काफी नई जानकारी के साथ हम प्रस्तुत होंगे। आशा रखती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदाई ले रहे हैं। थैंक यू सो मच।